तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, हमने अपने चेहरे से नहीं, नेचर की खूबसूरती से आज व्लॉग स्टार्ट किया है। तो भाई खूबसूरती देखो आप, ये पूरे फॉग नहीं है, बादल है। पहले सबसे जो पहला काम, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके की वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं, खूबसूरती नेचर की दिखाएंगे। व्लॉग काफ़ी अच्छे होते हैं, बट यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो, वीडियो पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज जब हम आए हुए हैं, वो आए हुए हैं जॉर्ज एवरेस्ट में। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा और गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी है। जब आप जॉर्ज एवरेस्ट आएंगे तो हमें गाड़ी को जो 1 किलोमीटर दूर ही खड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद जो ये रास्ते आप देख रहे हो, ये रास्ते उस लायक नहीं है कि गाड़ी जा सके, इसीलिए हमें यहाँ से ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। आप देखो खूबसूरती देखो कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में हम आ चुके हैं। ये देखो आप, चारों साइड से क्या है, खूबसूरती खूबसूरती, बिल्कुल शांति है, किसी तरीके की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांत सा मन है। यहाँ पर हर चीज़ आप भुला दोगे जो भी दिमाग में चल रहा है। तो हम आगे चलते हैं और आपको बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। और ये देखो ये गाड़ी, मतलब जो छोटी गाड़ी है, ये जो गाड़ी आपकी जा रही है वो दुकान है नीचे, उधर सामान छोड़ने जा रही है। तो अब चलते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। ये देखो भाई नेचर। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, इतनी ठंडी, ऐसे स्वाद सा आ रहा है, मतलब कि फील। और इसी टाइम 12 बज रहे हैं आज, शायद 12 बजे दिल्ली में भाई 42 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और यहाँ आके बिल्कुल टेम्परेचर, जो कि ये मुझे नहीं पता लगता कि भाई यहाँ से 300 किलोमीटर, हाँ 300 किलोमीटर के आसपास दिल्ली है, तो 300 किलोमीटर में इतनी क्या हवा चेंज हो जाती है कि यहाँ इतनी ठंड और वहाँ 42 डिग्री। ये देखो भाई मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम आउट करके, ये देखो व्यू देखो आप। और यहाँ भाई पहाड़ों में तो मुझे लग रहा है कि खाना तो खा ही नहीं रहे लोग, पूरे पहाड़ों में सिर्फ मैगी ही खाई जा रही है। जहाँ देखो मैगी, जहाँ देखो मैगी, मैगी चाय, मैगी चाय। ये देखो, तो हमारे इस रास्ते से जम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये ट्रैकिंग करते करते अभी चलते हैं, उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट में, तो भाई जो भी आ रहा है, जो भी हमें बता रहा भाई, वो कह रहा स्वाद आ जाएगा भाई, तो मज़ा आ जाएगा मतलब आपको जाने में। तो करते हैं ट्रैकिंग और आपको भी दिखाते हैं। ये देखो भाई, मतलब दोनों साइड से पहाड़ है, पूरी ग्रीनरी, और बारिश हुई थी तो रोड तो पूरी चमक रही है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, पहाड़ों पे भी, इस पे भी, पेड़ों पे भी पानी आ रखा है भाई। जगह देखो यार, ट्रैकिंग करने में अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, मतलब आप मशहूरी आओगे तो भाई पक्का आना यहाँ पे यार। यहाँ का तो मतलब वहाँ का तो अलग ही लोग बोल रहे हैं, बट साथ में जो ट्रैकिंग का भी जगह है वो भी बहुत बढ़िया है। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं और पसीने तो दिख ही रहे होंगे भाई, कड़कती खड़ी चढ़ाई है, जैसे वैष्णो देवी में चढ़ाई है वैसे यहाँ पर भी है भाई, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, बट आ तो गए हैं। ये देखो उस वाली, शायद उस वाली जो आपको पीछे दिख रही है, कहाँ पे है दिख रही है वो, उधर उस साइड है, वहाँ पे जाना है। तो वैसे हम पहुँच तो चुके हैं, यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सही है भाई। देख कितना प्यारा सा घर है, क्या है, क्या कुछ बना रखा है। ये देखो भाई अभी शायद ऊपर जाना, मैं आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ। देखो अरे यार, ये बादलों की वजह से ना आज धूप नहीं निकली, बादलों की वजह से आपको विजिबल थोड़ा दिख नहीं रहा क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हैं। देखो भाई ये बादल की वजह से देखो दिख पा नहीं रहा, पर पूरे कैमरे के, बट ठीक है दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी दूसरा व्यू दिखाते हैं जहाँ से मेन जो है। चलो भाई थोड़ा सा कुछ, थक तो बहुत गए हैं, थोड़ा कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे का व्यू। पानी तो मुझे ही पिलाना, मैंने तो भी पानी पिया, फ्रूटी ली छोटी सी, ज़्यादा नहीं। अभी कुछ देते हैं, चाय मैगी लेते हैं शायद, लेके खाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर, यहाँ पे नहीं है ये तो म्यूज़ियम है कोई, जो जो यहाँ पे है, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर है, यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से, फिर वो ऊपर साइड है, तो वहाँ चलते हैं, आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं भाई।
तो भाई जल्दी से यार सपोर्ट करो भाई, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भाई उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए मैं कहाँ कहाँ हर जगह जाता हूँ भाई, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का भी। तो भाई अब हमने मैगी ले ली है और चाय ले ली है, और भाई मैगी और चाय का स्वाद पहाड़ों में, ये देखो। और भाई जितनी भी ये जो आपको दिख रही है ना, ये बादल है, ये ऐसे शरीर मतलब ऐसे छू के निकल रही है ना, तो कपड़े भी सिमसिमे से हो जा रहे हैं, ये देखो। तो ये सारे बादल हैं, बिल्कुल ऐसे शरीर से निकल रहे हैं, तो पूरे कपड़े सिमसिमे से मतलब ऐसे हो गए हैं, जैसे हल्की हल्की सी बारिश आती है तो गीले हो जाते हैं ना, वही वो अलग ही मौसम हो रहा है, ये देखो पूरा ही। तो अब लेते हैं अपनी मैगी और ये चाय के स्वाद। तो अब मिलते हैं हम अपनी मैगी और चाय के स्वाद खाने के बाद आपसे, और फिर दिखाते हैं हम अपने ऊपर जाके जॉर्ज एवरेस्ट पे। भाई तुमाशु भाई देखो, थोड़ा सा ना साफ हुआ है, अभी दिख रहा होगा आपको, उस टाइम आपको कुछ दिखा नहीं होगा। देखो ये बिल्कुल बढ़िया सा बना रखा है यार खाने पीने का आपको, मतलब आके हमने जैसे आपको दिखाया कि भाई मैंने मैगी, उसके बाद चाय और एक फ्रूटी की पी, उसका देखो कितना स्वाद, मतलब बढ़िया सा आ रहा है व्यू, ये देखो। उस टाइम आपको दिखा नहीं था, तो उनसे थोड़ी सी धूप आई है उससे क्लियर हुआ है ये सारा। तो अभी इसके ऊपर चलेंगे यहाँ पे और ऊपर दिखाएंगे ऊपर से व्यू। तो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको। यहाँ से अभी बात हुई तो भैया कह रहे हैं यहाँ पे कि आज थोड़ी ये है धुंध है, तो धुंध आज ही हुई है, नहीं तो नॉर्मल डेज पे सही रहती है। तो यहाँ जो जॉर्ज ये है ना ऊपर, वहाँ से सारा यहाँ से देहरादून उसका पूरा एक मसूरी ये सब दिखता है, तो बहुत बढ़िया व्यू आता है कह रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल मतलब नीचे पूरा खाली है, ये एंड है, मतलब सबसे ऊपर है, इसीलिए मसूरी देहरादून काफ़ी जगह ये यहाँ से दिखती है। तो आपको दिखाते हैं, थोड़ा मोड़ा तो क्लीन हुआ है, थोड़ी सी धूप आई है, तो चलिए चलते आपको आगे। भाई ट्रैकिंग, जिसको ट्रैकिंग ज़्यादा पसंद है ना भाई, वो भी इस इन्वायरमेंट में भाई बड़ा मज़ा आएगा, जिसको ट्रैकिंग पसंद है। लेके चलते हैं आपको फिर से। भाई धूप चली गई है, फिर से धुंध, ये धुंध मतलब बादल आ गए हैं, जैसे थोड़ी सी धूप हट रही है, धूप आ रही है, ये बादल बिल्कुल साफ से हो जा रहे हैं, और जैसे धूप हट रही है, धूप आ रही है, ये हट जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा वेट करते हैं जिससे ये हटे, और आपको थोड़ा मोटा व्यू तो हम दिखा सकूँ मैं, जो यहाँ से ऊपर से दिखता है। ओह दिखाते हैं भाई, ये है जो सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर है ये, इसी को जॉर्ज कहते हैं। बट भाई धुंध के कारण तो देखो कुछ दिख तो नहीं रहा है, चलते हैं ऊपर देखते हैं। भाई हम आ गए ऊपर, भाई थक तो गए हैं चल चल के, करीब 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, 2-2.5 किलोमीटर की। मगर ये चढ़ाई मेन क्या था कि हमें सीधा खड़ी चढ़ाई थी वो चढ़ना था। भाई ये आ गए हम टॉप फ्लोर, टॉप पे बिल्कुल ऐसे हम 6000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर से है, ये देखो भाई पूरा मतलब ऐसे बादल ही हैं पूरे, ये देखो भाई कितना, ये देखो पूरा पूरा भाई बादल ही है, कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी, ये देखो पूरी नीचे खाई है, ये पूरी नीचे जो है वो खाई है, पूरा धुआं है भाई, धुंधी भरी पड़ी है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ऐसा है कि पास के लोग भी देखो सही से विजिबल नहीं दिख रहे, 6000 के फीट के ऊपर, और ये सीधा ये है, ये थोड़ा भी हुआ तो सीधा अंदर चला जाएगा, ये देखो भाई व्यू देखो, या पेड़ देख सारा। तो गाइस मतलब ये बोलना पड़ रहा है कि हम वो एवरेस्ट से जो दिखाना था हमें, जो मेन था वो दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग मतलब बादल आ चुके हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। हमारी किस्मत ज़्यादा ख़राब थी यार, क्योंकि वो भैया बोल रहे हैं जो दुकान वाले हैं, उन्होंने बोला कि और दिन साफ रहता है, बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा देहरादून उसके बाद आपको मसूरी सब कुछ दिखता है, बट आज इतना ज़्यादा कोहरा हो चुका है मतलब बादल हो चुके हैं कि थोड़े पास का भी आदमी नहीं दिख रहा, तो वो क्या ही दिखेगा। तो भाई
बस किस्मत ख़राब थी। मगर भाई इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में।